Why are you single? दिन तो मैं किसी का भी चुरा लूं, पर मम्मी के हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में हम ये ट्रेंड एडिट करने वाले हैं जो कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा और इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा, ऑफकोर्स देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पर। अगर आप चाहते हैं अपना फ़ोटो यूज़ करके आप इस तरह का वीडियो बनाएं, तो कैसे आप ये वीडियो बनाएंगे, बहुत ही आसान से स्टेप्स के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड अपना वीडियो बनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका वीडियो परफेक्ट बनता है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं इस वीडियो को हम कैसे एडिट करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी VN ऐप की, जो कि आपको ईजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है। अभी गैस नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि VN ऐप आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं आपको मुझेवानी बता देती हूँ कि आप कैसे करेंगे। आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करना है एंड उसमें टाइप करना है VN। ओके, VN टाइप करेंगे, टॉप में आपको ये ऐप मिल जाता है क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल ऐप है, तो ये आपको सबसे टॉप में मिलता है। आपको इसको ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। ओके, अब गाइस आपको अपना एक फ़ोटो इंपोर्ट करना है यहाँ पर एंड वो वीडियो आपको चाहिए जो कि आपने देखा होगा प्रीव्यू में और इंस्टाग्राम में जो वायरल है कि दिल तो मैं किसी का भी चुरा लूँ करके जो वीडियो है, वो वीडियो क्लिप आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आपको लिंक को ओपन करना है, टेलीग्राम पर जाना है और वो जो वीडियो क्लिप है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सेकंड थिंग गाइस, आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको फुल रील वीडियो भी मिलेगा साथ में, आपको साथ में रील वीडियो भी डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो आपको दो चीज़ें डाउनलोड करके रखनी है। पहले एक रील वीडियो आपको मिलेगा, वो डाउनलोड करके रखें, और जो बच्चे का वीडियो क्लिप है वो भी आपको डाउनलोड करके रखना है। देन गाइस, आप क्या करेंगे, यहाँ से फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए एंड वो वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अपना एक फ़ोटो ले लेंगे। ओके, तो जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो ले लेती हूँ। एंड गाइस, आपको क्या करना है, वो वीडियो क्लिप लेना है, तो वो वीडियो ले लेंगे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ से गाइस आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको फॉरवर्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको अपना एक फ़ोटो लेना है एंड ये वीडियो लेना है। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप आपको मिलता है, इसको आपको सबसे पहले डिलीट कर लेना है। इसको डिलीट करने का कारण ये है कि जब आप कम्प्लीटली वीडियो को बना लेते हैं एंड एंड में सेव करते हैं, तो सेव करते टाइम VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप वीडियो के एंड में ऐड हो जाता है, जिससे कि हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसे डिलीट करना ज़रूरी होता है। नाउ गाइस, आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड 9:16 की रेशियो सेलेक्ट करनी है। इससे हमारी वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है एंड ये इंस्टाग्राम की रेशियो है। वैसे तो ये टिकटॉक की रेशियो है, लेकिन ये इंस्टाग्राम के लिए भी परफेक्ट है, इसलिए इसे सेलेक्ट करना है। अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको साथ में टेलीग्राम पर रील वीडियो भी मिलेगा, तो उसको भी आपको डाउनलोड करके रखना है। अब गाइस, जो वीडियो आपने डाउनलोड करके रखा होगा उससे हमें म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे एंड प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब वो रील वीडियो आपको ले लेना है जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा। ओके, तो हम ये वीडियो ले लेंगे एंड यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट नेम दे सकते हैं, फाइल नेम यानी कि जो म्यूज़िक फाइल है उसका शॉर्ट नेम दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहे आपने किस नाम से फ़ाइल को सेव किया है।
अगर आप नेम नहीं भी इनपुट करना चाहते हैं तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली ओके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ओके कर लेती हूँ। देन गाइस आपको यहाँ से चूज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके, एंड यहाँ से डन कर लेना है। इस तरह से गाइस हमारा म्यूज़िक यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब आप क्या करेंगे गाइस, इस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग हमें फ़ोटो की ट्रिमिंग करनी है। वीडियो की ट्रिमिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो परफेक्ट ड्यूरेशन के साथ मैंने दिया हुआ है। केवल आपको अपना जो फ़ोटो ड्यूरेशन है उसको सेट करना है। उसके लिए हमें म्यूज़िक को सुनना होगा। म्यूज़िक मैं आपको सुना नहीं सकती बिकॉज कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं, तो मैं पहले ट्रिम कर लेती हूँ फ़ोटो को, आफ्टर दैट आपको बताती हूँ कि आप फ़ोटो की ड्यूरेशन क्या रखेंगे। ओके, ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो की ड्यूरेशन आप क्या रखेंगे ये आप नोट कर लें। तो बहुत ही आसान है, आपको एक ही फ़ोटो की ड्यूरेशन याद करनी है एंड ड्यूरेशन है 1.75 सेकेंड। तो गाइस ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको बस अपना एक फ़ोटो यहाँ पर इम्पोर्ट करना है जिसकी ड्यूरेशन आप रखेंगे 1.75 सेकेंड। बाकी वीडियो क्लिप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है टेलीग्राम पर। म्यूज़िक यहाँ पर ऐड करना है जिसका लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। बस आपको ये चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है, बस अपना फ़ोटो ऐड करना है और वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस आप यहाँ से इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ राइट हैंड कॉर्नर से एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है एंड यहाँ से डन कर लेना है। अब गाइस आप यहां से सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वीडियो आपका सेव हो जाता है। सो गाइस कैसा लगा है ये वीडियो आपको, अगर पसंद आया है तो जैसा कि मैंने कहा कि आप पहले अपना वीडियो एडिट करके देखें, अगर अच्छा लगता है तो ही आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसी तरह की नोटिफिकेशंस डेली पाएँ। इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होता है एंड जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, उसको आपको क्लिक करना होता है, तभी जाकर आपको सारे वीडियोस मिल पाते हैं। तो गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।